नमस्कार दोस्तों, स्वस्थ रहो मस्त रहो चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं सोनिका चौधरी आपके लिए स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो लेकर आती रहती हूँ। हमारे नए वीडियो को देखने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और पास ही बने घंटी के निशान को भी दबा लें, जिससे आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी लगातार मिलती रहे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है पुदीना 32 बीमारियों का है इलाज। पुदीना एक मशहूर औषधि है। यह च्युइंगम, कैंडी, टूथपेस्ट और माउथवॉश में स्वाद लाने के लिए अति लोकप्रिय है। परंतु क्या आप जानते हैं, स्वाद लाने के साथ साथ यह आपके सेहत में भी बहुत सुधार लाता है। यह चिकित्सा जगत में प्रचलित रूप से एरोमा थेरेपी में प्रयोग किया जाता है। पुदीना शरीर और मन पर ठंडा व शांत प्रभाव छोड़ता है, जिसकी मुख्य वजह है इसमें मौजूद मेथेनॉल। यह जड़ी बूटी, मैगजीन, तांबा और विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है। इसके अलावा यह एंटीऑक्सीडेंट, एंटी बैक्टीरियल, एंटीवायरल आदि गुणों की वजह से भी जाना जाता है। पुदीने के 32 फायदों के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो आइए जानते हैं इसके औषधीय फायदों के बारे में। मुंह की दुर्गंध दूर करने के लिए इसकी पत्तियों को चबाने से या 15 से 20 पत्तियों को एक गिलास पानी में उबालकर उसके गरारे करने से दुर्गंध दूर हो जाती है। जहरीले कीड़े के काटने पर पत्तों को पीसकर काटे हुए अंग पर लगाएं और पत्तों के रस का 2-2 चम्मच दिन में 3 बार रोगी को पिलाने से आराम मिलता है। चेहरे की सुंदरता बढ़ाने में सहायक इस लेप को रोजाना लगाने से दाग धब्बे, झाइयां, फुंसियां दूर हो जाती हैं। पत्तियों को पीसकर लेप तैयार करें और रात को सोने से पहले चेहरे पर अच्छी तरह मल लें। पेट में बनी गैस से दिलाता है छुटकारा। 4 चम्मच पुदीने का रस में 1 चम्मच नींबू का रस, 2 चम्मच शहद मिलाकर पीने से गैस के रोगी को आराम मिलता है। आंतों के कीड़े पुदीने का रस रोगी को पिलाने से आंतों के कीड़े समाप्त हो जाते हैं। बिच्छू के काटने पर इसका रस पानी में मिलाकर पिलाने से आराम मिलता है। पेट में दर्द व भूख न लगने पर 3 ग्राम पुदीने के रस में हींग, जीरा, काली मिर्च और थोड़ा सा नमक डालकर हल्का गर्म करके पीने से यह समस्या दूर हो जाती है। स्किन के रोग दाद, खाज, खुजली आदि त्वचा के रोग हल्दी व पुदीने का रस बराबर मात्रा में मिलाकर लगाने से लाभ मिलता है। सर्दी व खांसी में पुदीने की पत्तियों और काली मिर्च को मिलाकर गरम गरम चाय रोगी को पिलाने से सर्दी, खांसी, जुखाम, दमा और बुखार में आराम मिलता है। पेट के कीड़े के इलाज के लिए आधा कप पुदीने का रस दिन में 2 बार पीने से पेट के कीड़े खत्म हो जाएंगे। बदहजमी या भोजन का न पचना बदहजमी के इलाज के लिए 4 से 5 मुनक्खा के साथ 8 से 10 पुदीने की पत्तियों को सुबह व शाम इसका सेवन करने से आराम मिलता है। स्किन की गर्मी हरा पुदीना पीसकर चेहरे पर 20 मिनट तक लगाने से स्किन की गर्मी दूर हो जाती है। पित्ती पुदीने की 10 या 20 ग्राम मात्रा को 200 ml पानी में उबालकर छानकर पीने से बार बार उछलने वाली पित्ती ठीक हो जाती है। सिरदर्द होने पर हरे पुदीने का रस निकालकर लगाने से सिरदर्द दूर हो जाता है। कान में दर्द होने पर पुदीने का रस कान में डालने पर आराम मिलता है। हैजा में उपयोगी पुदीने की 30 पत्तियां, काली मिर्च के 3 दाने, काला नमक 1 ग्राम, भुनी हुई 2 छोटी इलायची, कच्ची या पक्की इमली 1 ग्राम, इन सबको पानी के साथ पीसकर चटनी बना ले। यह चटनी हैजे के रोगी को खिलाने से दर्द, दस्त, उल्टी अथवा प्यास आदि विकार दूर हो जाते हैं। आंतों के रोग पुदीने का ताजा रस शहद के साथ सेवन करने से आंतों की खराबी व पेट के रोग मिटते हैं। शीत बुखार में पुदीने व अदरक के रस का काढ़ा बनाने से शीत ज्वर मिट जाता है। टाइफाइड पुदीना, राम तुलसी हरे पत्ते वाली तुलसी और श्याम तुलसी यानी कि काले पत्ते वाली तुलसी का रस मिलाकर थोड़ी मात्रा में चीनी मिलाकर सेवन करने से टाइफाइड के रोग में लाभ मिलता है। निमोनिया बुखार में उपयोगी पुदीने का ताजा रस शहद के साथ मिलाकर हर 1 घंटे बाद देने से निमोनिया में जल्दी आराम मिलता है। चेहरे की झाइयां पुदीने के रस को मुल्तानी मिट्टी में मिलाकर चेहरे पर लगाने से झाइयां समाप्त हो जाती हैं। स्किन का तेलीयपन दूर करने के लिए इसके रस को रुई की मदद से पूरे चेहरे पर लगा लें। शारीरिक कमजोरी दूर करने में पुदीने में विटामिन ई पाया जाता है, जो शरीर की कमजोरी व वृद्धावस्था को रोकने का काम करता है। इसके सेवन से नसें मजबूत होती हैं। आंखों के रोगों में पुदीने में विटामिन ए मिलता है, जो आंखों के रोगों में लाभदायक होता है।
दांतों का दर्द। सूखे पुदीने को पीसकर प्रतिदिन मंजन करने से दांतों का दर्द ठीक होता है। दमा या श्वास संबंधी रोगों में 1/4 कप पुदीने का रस और इसमें इतना ही पानी मिलाकर प्रतिदिन पीने से लाभ मिलता है। खट्टी डकारे आने पर पुदीने और इमली को पीसकर इसमें सेंधा नमक और शहद मिलाकर खाने से खट्टी डकारे व उल्टी शांत हो जाती है। मुंह के छाले, हरा पुदीना, सूखा धनिया और मिश्री बराबर मात्रा में लेकर चबाएं और लार टपकाएं, जिससे मुंह के छालों में आराम मिलता है। हिचकी, पुदीने के पत्तों को चूसने व पत्तों को नारियल के साथ चबाकर खाने से हिचकी दूर होती है। लू का लगना, लगभग 20 पुदीने की पत्तियां, 3 ग्राम सफ़ेद जीरा, 2 लौंग मिलाकर इन सबको पीसकर जल में घोलकर छानकर रोगी को पिलाने से लू से होने वाली बेचैनी खत्म होती है। गठिया का दर्द, गठिया के रोगी को पुदीने का काढ़ा बनाकर पिलाने से यूरिन खुलकर आता है और गठिया रोग में आराम मिलता है। लो ब्लड प्रेशर में 50 ग्राम पुदीने को पीसकर उसमें स्वाद के अनुसार सेंधा नमक, हरा धनिया और काली मिर्च मिलाकर चटनी के रूप में सेवन करने से बहुत लाभ मिलता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके कमेंट करके अवश्य बताएं। इसे शेयर व लाइक करना ना भूलें।